फायरिंग को लेकर बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, जेडीयू के आरसीपी सिंह और राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद बीजेपी ने एलजेपी को साफ कर दिया है कि वह उन्हें 25 से ज्यादा सीटें नहीं देंगे। इस बात से चिराग पासवान नाराज हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। बिहार टिक्स के ओपन सिग्नल में आज एनडीए में चल रहे अंदरूनी लहर की बात। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और एनडीए दोनों खेमे में घटक दल संतुष्ट नहीं हैं। महागठबंधन से जहां राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अलग होने की संभावना है, वहीं एनडीए से लोक जनशक्ति पार्टी नाता तोड़ सकती है। एलजेपी ने संकेत दिया है कि वह अकेले विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमाएगी। खबरों की माने तो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, जेडीयू के आरसीपी सिंह और राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद बीजेपी ने एलजेपी को साफ कर दिया है कि वह उन्हें 25 से ज्यादा सीटें नहीं देगी। इस बात से चिराग पासवान नाराज हो गए हैं। चिराग पासवान खुद भी चुनाव में उतर सकते हैं। खबरों की माने तो चिराग पासवान खुद भी सांसद पद से इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमा सकते हैं। चिराग पासवान उसी रणनीति को अपनाना चाहते हैं जिस पर 2005 के विधानसभा चुनाव में उनके पिता चले थे। 2005 के विधानसभा चुनाव में चिराग के पिता रामविलास पासवान ने दलित जोड़, मुस्लिम जोड़, फॉरवर्ड जाति भूमिहारों को लेकर एक कॉम्बिनेशन बनाया था। इसके भूते एलजेपी को 29 सीटें हासिल हुई थी और सत्ता की चाबी रामविलास पासवान के पास आ गई थी। हालांकि मुस्लिम मुख्यमंत्री के मुद्दे पर उन्होंने ना तो नीतीश कुमार को समर्थन दिया था और ना ही लालू यादव को, जिसके बाद एलजेपी में तोड़फोड़ शुरू हो गई थी। हालांकि नीतीश कुमार ने तोड़फोड़ से सरकार बनाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद राज्य में मध्यावधि चुनाव हुआ था। अब एक बार फिर से अनुमान लगाया जा रहा है कि एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान सत्ता की चाबी हासिल करने की सोच रहे हैं। चिराग के बयान में एक रूपता नहीं। पूरे प्रकरण में गौर करने वाली बात यह है कि चिराग पासवान के बयान में एक रूपता नहीं दिख रही है। वह सीएम नीतीश कुमार पर भले ही आक्रामक रुख अपनाए हुए है, लेकिन वह लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी जो भी कहेगी वह उन्हें मान्य होगा। कभी चिराग सीएम नीतीश पर बार और कोरोना को लेकर आक्रामक रहते हैं, तो कभी कहते हैं कि नीतीश गठबंधन के अभिभावक है, इसलिए उनसे शिकायत करना दायित्व है। चिराग को तवज्जो देने के मूड में नहीं है नीतीश। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू अध्यक्ष की हैसियत से पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। यहां वे करीब 8 घंटे रहे। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं के सुझाव और उनकी टिकट की दावेदारी सुनते रहे। पार्टी कार्यालय से निकलते वक्त पत्रकारों ने चिराग पासवान और एलजेपी को लेकर सवाल पूछा। इस पर सीएम नीतीश बस इतना कह गए, कोई खास बात नहीं है। सीएम नीतीश के इस 5 शब्द का बयान आने के बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सीएम नीतीश कुमार एलजेपी को तवज्जो नहीं देने के मूड बना चुके हैं? क्या सीएम नीतीश एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान के आक्रामक रूप को ज्यादा भाव देना नहीं चाहते हैं? गठबंधन में जेडीयू बड़ा भाई। खबरों की माने तो भूपेंद्र यादव, आरसीपी सिंह और राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह की मुलाकात के दौरान तय हुआ है कि एनडीए में जल्द ही सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार तय किए जाएंगे। माना जा रहा है कि एनडीए में जेडीयू बड़ी पार्टी होगी। एलजेपी पर बीजेपी के रुख के बाद ही सीट शेयरिंग का अंतिम निर्णय हो पाएगा। जेडीयू की ओर से कहा गया कि 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के दो ही घटक थे, एक जेडीयू जिसे 141 सीटें मिली थी और दूसरा बीजेपी जिसके हिस्से बाकी 102 सीटें आई थी। इस बार एलजेपी और हम भी शामिल है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले।
खुश रहे और मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।